शुक्र है सारा काम हो गया। थोड़ी देर फेसबुक पर टाइम पास कर लेता हूं। अरे वाह, ये तो बड़ी कूल शर्ट्स हैं। इनकी वेबसाइट चेक करता हूं। shirtvilas.com। इनकी एड तो मैंने टीवी पर नहीं देखी, लेकिन इनकी एड फेसबुक पर शो कर रही है, तो क्या पता रियल हो। अरे वाह, इस वेबसाइट में तो बड़ी कूल कूल शर्ट्स हैं। पेमेंट मेथड चेक करता हूं। कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। मम्मी, हाँ बेटा, एक वेबसाइट है shirtvilas.com। मुझे ना उनकी शर्ट्स बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं इससे शर्ट्स ऑर्डर कर लूँ? लेकिन बेटा, मैंने तो इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। मम्मी, अगर हमें शर्ट्स पसंद नहीं आई और कुछ गड़बड़ हुई तो हम लोग शर्ट्स वापस करवा देंगे। इसमें रिटर्न का भी ऑप्शन है। ओके बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ठीक है मम्मी। ये रहा एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ऑर्डर डन। चेक करता हूं उनका कोई ईमेल आया या नहीं। अभी तक इनका कोई कंफर्मेशन ईमेल भी नहीं आया और ना ही ट्रैकिंग आईडी आई है। वो तो अच्छा हुआ कि हमने कैश ऑन डिलीवरी पर ऑर्डर किया था। आ गए बेटा? हाँ मम्मी। मम्मी, मेरा कोई कुरियर आया अभी तक? कुरियर? नहीं तो बेटा, अभी तक तो कोई कुरियर नहीं आया। नहीं आया? अभी तक उन लोगों ने ईमेल भी नहीं भेजा, ना ही उनका कोई कंफर्मेशन मैसेज आया है, और ट्रैकिंग आईडी भी नहीं आई अभी तक। वो तो अच्छा हुआ कि हमने कैश ऑन डिलीवरी पर ऑर्डर किया था। अगर पहले ही पैसे भर दिए होते तो अभी तक हम लोग टेंशन में आ जाते। हाँ बेटा, तुम चेंज कर लो, मैं लंच लगा। ठीक है मम्मी। ब्रूनो, तूने अभी तक लंच नहीं किया ना? चल साथ में लंच करते हैं। मैं दिवाली पर अपनी फैमिली के साथ बहुत एंजॉय कर रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि दिवाली के अगले दिन मुझे क्या सरप्राइज मिलने वाला है। थैंक यू सो मच। आशु बेटा, देखो क्या आया है। तुमने जो शर्ट्स ऑर्डर की थी वो आ गई हैं। सच्ची मम्मी? हाँ बेटा, दिखाओ। ये लो बेटा। Thank you.
ये तो वो वाली शर्ट्स नहीं है जो मैंने ऑर्डर की थी। ये तो एकदम मैली कुचाली फटी पुरानी शर्ट्स है। इसका मतलब मेरे साथ धोखा हुआ। मम्मी मम्मी जल्दी आओ। क्या हुआ बेटा? मम्मी मैंने जो शर्ट्स ऑर्डर की थी ना, हाँ ये वो वाली शर्ट्स नहीं है। मेरे साथ धोखा हुआ है मम्मी, लोगों ने हमारे साथ फ्रॉड किया है। जल्दी नीचे जाकर देखो, कुरियर बॉय चला तो नहीं है। हाँ मम्मी। अंकल अभी डिलीवरी बॉय आया था, वो चला गया क्या? अरे वो तो कब का चला गया। अंकल आपने उसका नंबर नोट किया है? हाँ लिखो। हाँ। 99107। थैंक यू अंकल। वो डिलीवरी वाला तो आता रहता है, दिन में दो चक्कर मारता है। मम्मी मैं वॉचमैन अंकल से उस डिलीवरी बॉय का नंबर लेकर आ गया हूँ। बेटा जल्दी से कॉल लगाओ। हाँ बेटा ये सही नंबर तो है ना? मम्मी यही नंबर है, मैंने वॉचमैन अंकल से क्रॉस चेक भी किया था और वो बोल रहे थे कि वो डिलीवरी के लिए आता रहता है। एक बार फिर से ट्राई करो। मम्मी मुझे पैसों के लिए तो दुख हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे ये दुख हो रहा है कि मैंने कितने प्यार से उन शर्ट्स को ऑर्डर किया था। इन फ्रॉड स्कैमर्स से लोग इतने प्यार से चीज़ें ऑर्डर करते हैं और ये स्कैम करने से पहले सोचते भी नहीं हैं कि उनके ऊपर क्या बीतेगी। हाँ बेटा, बेटा पैकेट में देखो पार्सल कौन सी कुरियर कंपनी से डिलीवर हुआ है। हाँ मम्मी। मम्मी इसके ऊपर तो किसी भी डिलीवरी कंपनी का स्टैंप लगा ही नहीं हुआ है। अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने कई सारी कुरियर कंपनीज को सर्च किया ताकि मैं उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकूं, लेकिन संडे होने के कारण किसी भी कुरियर कंपनी में कोई भी इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें ईमेल भेजे और साथ ही साथ मैं कुरियर बॉय को भी कॉल कर रहा था। बेटा डिलीवरी बॉय का फोन लगा? नहीं मम्मी, मम्मी लगता है वो सिक्योरिटी रजिस्टर में गलत नंबर लिखवा कर गया है। इनको असली नंबर तो लिखवाना चाहिए ताकि कस्टमर्स की हेल्प तो हो सके। और बेटा जिस वेबसाइट से शर्ट्स मंगवाई थी उनका नंबर? मम्मी मैंने उनकी वेबसाइट वाले फोन नंबर पे भी ट्राई किया, ऊपर से पार्सल के ऊपर भी जो फोन नंबर लिखा है वो भी ट्राई किया, सब नंबर स्विच्ड ऑफ हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि इस तरह के स्कैम के बारे में मैंने सिर्फ न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर में पढ़ा था और अब ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ था। मैं टेंशन में बैठा था और तभी हेलो। हेलो यस मैम, मैं कुरियर से बात कर रहा हूँ। हाँ अभी हमारे पास एक पार्सल आया है, उसी के लिए मैंने आपको ईमेल किया था। ऑफिस में बताइए ना क्या हुआ। हाँ एक्चुअली क्या है कि हमारे पास जो पार्सल आया है ना, हम उसे रिटर्न करवाना चाहते हैं। किसी ने हमारे साथ फ्रॉड किया है और ये जो पार्सल है हम चाहते हैं इसे आप वापस ले जाएं और हमारा जो मनी है उसे वापस आप रिटर्न करते हैं। हम एक्टिवेट करेंगे डिलीवर बॉय, फिर आ जाएगा आपका पार्सल लेने। अच्छा। आप एक्टिवेट करने के लिए आपको 5 रुपीज का चार्ज ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। मैं लिंक सेंड कर दूं 5 रुपीज पेमेंट के लिए। हाँ कर दीजिए। मम्मी मुझे कुरियर कंपनी से फोन आया था, वो बोल रहे थे कि वो कुरियर ले जाएंगे और हमें मनी रिटर्न कर देंगे। अरे वाह बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ मम्मी। बेटा उसके लिए क्या करना होगा? मम्मी उसके लिए हमें 5 रुपए की रिटर्न रिक्वेस्ट डालनी होगी, उसके बाद सारे पैसे वापस मिल जाएंगे हमें। बेटा जाओ जल्दी करो। हाँ मम्मी मैं अभी कर देता हूँ। हेलो क्या लेके आ रहा है? पेमेंट की है? हाँ हमने पेमेंट कर दी है। पेमेंट एक नंबर नोट कर लीजिए, पेमेंट अभी आपका नहीं आया है, एक्टिवेशन मैसेज जाएगा उस। अच्छा? मैसेज को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। हाँ लाइन पे रहिए, मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ। देखिए मिला मैसेज? हाँ आया है। उस पे जो जाएगा ना उसको फॉरवर्ड कीजिएगा 20 सेकंड के अंदर, 73 वाले नंबर पे मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिएगा जो नंबर। ठीक है एक्टिवेट यहाँ से हम कर देंगे। मैं एक बारी पढ़ लेता हूँ मैसेज क्या आया है। तो फॉरवर्ड कीजिएगा 20 सेकंड के अंदर। अच्छा ठीक है मैं आपको सेंड करता हूँ। डन, मैंने सेंड कर दिया है। पूरा डॉक्यूमेंट नंबर बताइएगा। हाँ नंबर है
16051225113 एक्टिवेट करके कॉल बैक कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक गॉड। फ्रॉड बैंकिंग? इसका मतलब ये वही है जिसने मुझे ये शर्ट्स भेजी हैं। मैंने अपना UPI लिंक उसको दे दिया, अब क्या होगा? वो तो मेरे सारे पैसे निकाल लेगा, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी टेंशन में आ जाएगी, क्या करूं? एक काम करता हूँ, सारे पैसे पापा के बैंक में ट्रांसफर कर देता हूँ। मम्मी, मम्मी बोलो बेटा। मम्मी पापा कहाँ हैं? पापा अपने रूम में रेस्ट कर रहे हैं। पापा का फोन बेटा सामने पड़ा है। थैंक गॉड पैसे ट्रांसफर हो गए। क्या हुआ बेटा, इतने टेंशन में क्यों? मैंने मम्मी को बताया कि किस तरह से ये स्कैमर जानबूझकर संडे के दिन फटे पुराने कपड़े भेजता है ताकि हम कुरियर कंपनीज को कॉल करें और कहीं कॉल ना लगने पर यह हमें कुरियर कंपनी वाला बनकर कॉल करे और लोगों से उनके पैसे लूट सके, क्योंकि संडे होने के कारण सारी कुरियर कंपनीज और बैंक बंद होते हैं और इस तरह से इसे अपनी करतूतों को अंजाम देने का मौका मिल जाता है। और तभी मुझे मैसेज आया जिसमें लिखा था कि उस स्कैमर ने मेरे अकाउंट से 5,000 निकालने की कोशिश की थी, अगर मेरे पैसे ट्रांसफर करने में थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो आज ये मेरे अकाउंट से सारा कैश निकाल लेता। हेलो, पेमेंट हुआ? हाँ, मैंने पैसे भेज दिए। पेमेंट आपका नहीं आया है, कैसे किए पेमेंट बताइए तो। वैसे आपके फोन में फ्रॉड बैंकिंग क्यों लिखा रहा है? गलत आ रहा होगा, ऐसे दिखाता है समझे। अच्छा, ऐसे ही दिखा रहा है। आप shirtvillas.com से बात कर रहे हैं ना? जी। shirtvillas.com? जी। लेकिन तू तो बोल रहा था तू कुरियर कंपनी से बात कर रहा है। जी जी, मैं DTDC से बात कर रहा हूँ। अब झूठ बोलना बंद करेगा? इस तरह से तू कंपनियों को बदनाम करेगा, लोगों से पैसे लूटेगा? लोग कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, कितनी मेहनत से, और तू इस तरह से उनके पैसे लूटेगा? आज एक छोटी सी गलती की वजह से मैं एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार बन जाता। अगर सही समय रहते मैंने ट्रू कॉलर और मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं किया होता तो बात हाथ से निकल सकती थी। आज के बाद मैं ऐसी किसी भी अनजान और नई वेबसाइट को बिना सर्च किए कुछ ऑर्डर नहीं करूंगा। रुको, मैं उसे अभी बुलाती हूं। आशु बेटा। हाँ मम्मी। बेटा तुम्हारा पार्सल आया है। बेटा जाओ, जाकर कलेक्ट कर लो। ठीक है मम्मी। यस सर, आपको कुरियर आया है। कितना पे करना है सर? 45,000। 45,000? मुझे ये कुरियर नहीं चाहिए, ये जहां से आया है ना इसे वहीं भेज दीजिए। ओके सर। थैंक यू। हेलो। हेलो सर, मैं कुरियर कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपने कुरियर नहीं लिया? मैंने उस स्कैमर को सबक सिखाने का सोचा,
मैंने उसकी वेबसाइट से 45,000 की शॉपिंग की ताकि इस तरह से मैं उसको सबक सिखा सकूं। मैंने स्कैमर के बारे में सर्च किया। सर्च करने पर पता लगा कि ये कोई अमित नाम का आदमी है जो कि मिर्ज़ापुर का रहने वाला है और ये वेस्ट बंगाल का सिम यूज़ करता है और दिल्ली से अपना बिजनेस चलाता है। और सर्च करने पर पता चला कि इसने मेरी तरह बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम किया है। मैंने अपना फ़ोन नंबर वेबसाइट में डालकर बाकी लोगों से बात करने की कोशिश की और सभी ने ये प्लान किया कि किस तरह से हम इसको सबक सिखा सकते हैं। जिस तरह से तूने कई सारे लोगों को बेवकूफ बनाया है, उसी तरह से अब उन लोगों ने तुझे बेवकूफ बनाया है। तुझे क्या लगा तुम सबकी मेहनत की कमाई पर अय्याशी करेगा? अब ये सारे फटे पुराने मैले कुचाले कपड़े खरीदने में भी तेरे पैसे लगे होंगे और ऊपर से कुरियर में भी तो पैसे लगे होंगे ना। अब हम सबकी मेहनत की कमाई तो वापिस आने वाली है नहीं, लेकिन हमारी मेहनत की कमाई तेरे भी काम ना आए इसलिए हम सबने ये रास्ता अपनाया है। कोई 1,00,000 रुपए कमाए या 1 रुपए, उन सब पैसों को कमाने में लोगों की कितनी मेहनत लगती है। लेकिन तुम जैसे घटिया लोग शॉर्टकट से पैसे कमाने के चक्कर में लोगों को बेवकूफ बनाते हो। इससे तुझे कुछ हासिल नहीं होगा, इससे तू लोगों की सिर्फ और सिर्फ बददुआएं ले रहा है। एक लड़का कितना रो रहा था, वो अपनी माँ को साड़ी गिफ्ट करना चाहता था और एक लड़का अपने पापा को उनके बर्थडे के लिए गिफ्ट करना चाहता था ये शर्ट्स। और एक किसान बेचारा इतने महीनों से मेहनत कर पैसे इकट्ठे कर रहा था ताकि वो तेरी वेबसाइट से इन शर्ट्स को खरीद सके। लेकिन तूने हम सबके साथ क्या किया, तूने हमारे इमोशंस के साथ खेला, हम सबको बेवकूफ बनाया। लेकिन तेरा ये स्कैम ज्यादा दिन तक चलने वाला है नहीं, एक ना एक दिन तू जेल की सलाखों के पीछे जरूर होगा, क्योंकि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। हाय गाइस, ये स्टोरी एक रियल इंसिडेंट पर आधारित है जो कि मेरे साथ हो चुका है। मेरे साथ ही क्या, बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है और कई सारे लोग अब भी इस ट्रैप का शिकार बन रहे हैं। अगर आपने ऐसी शॉपिंग वेबसाइट्स की एड टीवी पर नहीं देखी है तो उनका विश्वास आप ना करें, आप सिर्फ ट्रस्टेड वेबसाइट से ही शॉपिंग करें। मेरे साथ हुए स्कैम के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं जो कि आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ स्कैम हो चुका है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि बाकी लोग भी ऐसे स्कैम से बच सकें। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे 12 PM, क्योंकि हमारी वीडियो आती है एवरी सैटरडे दोपहर 12 बजे, याद रखना। तो फटाफट से मोहग्मी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन भी दबाएं एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मीट।